जीव दया सभी धर्मों की कुलदेवी कहें कि जीव दया कुलदेवी है ये कहें तो इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्येक प्राणी सुख से जीना चाहता है, कोई भी प्राणी नहीं चाहता है कि वो दुखी होवे। आज देखते हैं पशु और पक्षी जो बोल भी नहीं सकते और सब कुछ सहन करते हैं, तो ऐसे मूक पशु पक्षियों को चारा पानी उनका औषधि उपचार आदि की व्यवस्था करना ये सब जीव दया के अंतर्गत आते हैं। हमारा लक्ष्य उन प्राणियों के ऊपर यदि चला जाता है कि ये प्राणी प्रकृति के हैं और ये भी सुख से जिए तो जीव दया बहुत ही सुंदर हो सकती है। हमारे देश से बहुत सारा मीट एक्सपोर्ट भी होता है, प्राणियों का वध होता है, कत्ल खाने बढ़ते जा रहे हैं और कत्ल भी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उतना ही प्राणी का वध हो रहा है। ये प्राणी का वध रुकना चाहिए और ये रुकने का कार्य तभी होगा जब जीव दया सुचारू रूप से चलेगी, जब जन जन के मन में हृदय में आस्था में केंद्र में होना चाहिए कि प्रत्येक जीव सुखी रहे, तब जाकर के ये इस तरह का कार्य रुकेगा। स्वाद के पीछे मात्र ऐसे मूक प्राणियों का वध बढ़ाता जा रहा है। हम तो शाकाहारी प्राणी हैं, हमें तो अनाज सब्जियां फल मेवे दूध इतनी वस्तुएं मिलती हैं कि उनसे हमारा निर्वाह चल सकता है, तो वो सारे प्राणियों का वध जिस तरह से निर्मम होता है, यदि हम आपको ये कहें कि प्राणी का कत्ल खाने में कैसे हिंसा हत्या होती है तो वो देखेंगे तो रोंगटे कांपने लग जाएंगे। पीछे मात्र स्वाद वृत्ति ही है, स्वाद तो जब तक मुंह में कोई भी अवक्ष पदार्थ आता है तभी तक का होता है, उसके बाद वो स्वाद तो गायब हो जाता है, लेकिन उस प्राणी के प्राण चले जाते हैं। तो जितने भी प्रकृति के जीव है, पशु है, पक्षी है, वो सुख से जिए, उनके लिए हमें मंगल कामना करनी चाहिए। प्रातःकाल उठ करके कहे प्रकृति के जीवो तुम सुख से जियो, अमन चैन से जियो, शांति से जियो, तो ऐसे हमारे अंदर भाव पैदा करने हैं और ऐसे भाव जब ही करेंगे कि हमारे मन में दया का भाव आएगा। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे जीवन में दया है तो वही धर्म का मूल है, और जैसे ही दया हमारे जीवन में से नष्ट होगी तो हमारे जीवन में से धर्म का मूल ही उखड़ जाएगा, और यदि धर्म का मूल उखड़ गया तो फिर हम जीव दया नहीं कर सकते और जीवों को सुखी नहीं पहुंचा सकते, तो हमारा मनुष्य जीवन किस काम का। मनुष्य जीवन हमको मिला, स्वस्थ शरीर हमको मिला, पांच इंद्रिय परिपूर्ण मिली, सोचने की शक्ति मिली। मनुष्य ही प्रकृति का ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए वो जीव दया करने में सबसे आगे रह सकता है। हाथी का जीव एक खरगोश को बचाने के लिए भी जीव दया करता है और उसकी रक्षा करने के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक प्रसंग शास्त्रों में मिलते हैं। एक बार दावानल जंगल में लगा था, दावानल लगता तो सारे पशु एकत्रित होकर के कहीं भी छुपने का प्रयास करते थे। एक हाथी ने सोचा कि मैं ऐसी जगह बना लूं जहां घास तिनका पेड़ कुछ भी नहीं रहे, तो ऐसा एक मैदान उसने बना दिया, और जब दावानल लगा था तो वो दावानल लगने पर सारे प्राणी उसमें आ गए थे, और सारे प्राणी जब उसमें आ गए थे तो खचाखच वो भर गया था। वो हाथी भी वहां खड़ा था, उसके शरीर में खुजली चली, उसने अपना एक पैर उठाया, शरीर को खुजली करके रखना चाहा तो देखा कि वो जगह पर एक खरगोश आ गया, क्योंकि जगह बहुत कम थी तो खरगोश वहां पर बिच रहा था। वो आ गया तो हाथी पैर रखते समय देखता है, अरे मेरे पैर के नीचे खरगोश आ जाएगा, निर्दोष प्राणी है ये, प्राणों की रक्षा के लिए आया हुआ है और मैंने भी जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए ये कार्य किया है, अपने पैर को ऊंचा उठा करके रखता है। जब दावानल शांत हुआ तब वो जैसे ही अपने पैर को नीचे रखता है, चूंकि पैर जकड़ चुका था और वो हाथी गिर गया। इतना ही नहीं, एक छोटे से खरगोश की जान बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। हाथी तो एक जानवर था, लेकिन हम तो एक मनुष्य हैं जो सही क्या है और गलत क्या है उसको सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। अभी 14 जनवरी संक्रांत के समय पर जयपुर के अंदर पतंगों का बहुत बड़ा सीजन होता है। राजस्थान जनमंच के माध्यम से इतने पक्षियों का रक्षण करने का कार्य जगह जगह पर लगभग 25-30 जगह कैंप लगा करके
हजारों पक्षियों को, घायल पक्षियों को लाकर के उनके चिकित्सा किए गए, उनका उपचार किया गया और उनको स्वास्थ्य लाभ कर करके और उनके प्रति दया का भाव, मैत्री का भाव, उनका जीवन सुखी बने, मंगल में बने, नहीं तो घायल होकर के मरने की अवस्था वाले पशुओं को उनका उपचार करके और उनको जिंदा रखने का कार्य किया। तो ऐसे एक ने एक से बढ़कर के रचनात्मक कार्य करने वाले इस भारत भूमि में बहुत माई के लाल हैं, जो पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति जीव दया का पूरा पूरा भाव रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि प्रकृति के सारे पशु पक्षी सुख से जिए, आनंद से जिए, उनको कोई भी प्रकार की वेदना नहीं होवे। जो व्यक्ति इस तरह की भावना रखता है, जो व्यक्ति इस तरह की विचारधारा रखता है, वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी दारिद्र नहीं होता, कभी भी उसका रोग ग्रस्त शरीर नहीं होता, आरोग्य वाला शरीर उसको मिलता है। जो पशुओं पर दया का भाव करता है, दया का चिंतन करता है, उसके जीवन में सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है, संतोष उसके जीवन में प्राप्त होता है। तो ऐसे जीव दया के कार्य हमको निरंतर करते रहना चाहिए। प्रतिदिन पक्षियों को हम दाना डालते हैं, पशुओं को घास डालते हैं, उनको पानी की व्यवस्था करते हैं, वो इसीलिए कि प्रकृति के साथ यही मंगल कामना करते हैं कि प्रकृति के सारे जीव सुखी बने और ऐसी मंगल कामना हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। आपके और हमारा सभी का जीवन सार्थक बने, मंगलमय हो और जीव दया के भाव प्रतिदिन बढ़ते रहें, यही मंगल कामना करते हैं।